विपक्ष को खुद नहीं पता है 1949 से कांग्रेस पार्टी के सांसद लोकसभा के अंदर भारत नाम रखने का प्रस्ताव सदन में ले आए थे। कम से कम हमको अंदाज है कि दर्जन भर बार सदन के अंदर लोकसभा में ये प्रस्ताव आया है। आज जो कांग्रेसी कह रहे हैं कि हमारे गठबंधन का नाम रखने के बाद ऐसा बीजेपी कर रही है, वो गलत फहमी में है। उनको खुद नहीं पता है कि कब कब ये सदन में चर्चा हुई है, कब कब इसका नाम कैसे कैसे हुआ है, रखने की बात हुई है, उनको खुद नहीं पता है। इसके साथ ही क्योंकि विपक्ष और कांग्रेस का कहना है कि ये जब संविधान में इंडिया लिखा हुआ है तो इसका नाम बदलने की जरूरत ही क्या है, कोई इस पर दोनों बात लिखी है उसको पढ़ लें। संविधान के आर्टिकल 1 में इंडिया और भारत दोनों की अनुमति है। इसके साथ ही उदयनिधि में जो है FIR लॉन्च की गई, जो उन्होंने विवादित बयान दिया था सनातन धर्म को लेकर। बिल्कुल FIR होना चाहिए। अगर ऐसे लोग किसी भी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में किसी भी धर्म मजहब के खिलाफ टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात की। सभी धर्म बराबर हैं, सभी लोग एक हैं, अलग अलग अपना धर्म मानने को आजादी है। ये व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में दिया है। और इसके साथ ही G20 जो मेजर इवेंट है वो दिल्ली में होने वाला है, जिसको लेकर के जो प्रेसिडेंट है US प्रेसिडेंट वो भी वहां पे मौजूद रहेंगे। अच्छी बात है, अगर वो USA के प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। मऊ चुनाव को लेकर, घोसी चुनाव को लेकर के काफी चर्चा चल रही है, आपने पहले से मिठाई बांटने का ऐलान कर दिया। 100% जीतेंगे महाराज, आप देखिएगा ना, 8 को 11 बजते बजते सफाई सब छोड़ के पंडाल भर जाएंगे, ये सोच लीजिएगा। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, घोसी चुनाव का समीकरण NDA के पक्ष में है, सपा के साथ दूसरा कोई दल खड़ा नहीं है, कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है उनके NDA के। लालू जी वहां आए नहीं, ममता जी आई नहीं, KCR आए नहीं, तो उटवा कहां से जा मिली। आई यहां ओम प्रकाश राजभट, संजय चौहान जी, संजय निषाद जी, वहां आशीष पटेल जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत के साथ, सभी लोग जितने भी NDA के साथी सभी लोग पूरी ताकत से लगे थे, सभी लोग वोट दिला रहे हैं। और वहां का है प्रोफेसर राम गोपाल जी, गांव में जीवन में पहली बार गांव में जाके राजभर बस्ती में दे दो राजभर, दिला दो राजभर, वोट दिला दो राजभर, गिड़गिड़ा रहे हैं। पूछ लेना कि गलत बोल रहा हूं। 22 के चुनाव में कभी शिवपाल जी को अखिलेश जी ने सभा में नहीं भेजा, और 22 घोसी उपचुनाव में अखिलेश जी ने शिवपाल को गांव गांव घुमा दिया, और अपने खुद 10 जिले की लोगों को बुला करके जनसभा जाके किए बाई इलेक्शन में पहली बार। ये उनके हार का कारण है, अपनी जमानत बचाने के लिए घूम रहे हैं, कुछ नहीं है वहाँ। शिवपाल जी की जो आप बात कर रहे हैं, आपने पहले ही अनाउंस कर दिया कि वो जो है BJP में NDA गठबंधन में शामिल होंगे। बिल्कुल जाएंगे, जो बयान विधानसभा के अंदर है वो बयान ये साबित करता है। देखिए अखिलेश जी ने खुद ऐसा फेविकोल चफना दिया, जब BJP ने बंगला अलर्ट किया और सुरक्षा दी तो अखिलेश जी ने फेविकोल चफना दिया उनके ऊपर कि ये BJP के लिए काम करते हैं, ये BJP के साथ हो गए हैं, अब कैसे छूटी। शंका के निगाह से हमेशा अखिलेश जी देखते हैं शिवपाल जी को, तो वो सोच रहे हैं। सदन में नहीं कहा मुख्यमंत्री जी ने कि आ जाओ जल्दी, देरी हो रही है, क्या करोगे उधर, बाद में पछताओगे, जल्दी करो, आ जाओ, तो उन्होंने कहा ना कहा आ जाएंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, मायावती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात कही है कि जो नाम को लेकर के विवाद कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इंडिया और भारत, तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, क्या दिक्कत है, यही तो आजादी है सबको, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए चाहे हाई कोर्ट जाए, सब लोग आजाद हैं अपनी अपनी बात कहने के।